अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान हैदर और आप देख रहे हैं टॉप वीडियो चैनल। नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक भी करिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है मेरे जैसे नए यूट्यूबर्स जो जब वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो ज़्यादातर जो हम सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर जो है वो ट्रायल वर्जन होते हैं। मैं चलें अपनी बात ही करता हूं क्योंकि मैं तो अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सारे ट्रायल वर्जन है। और इसमें यह होता है कि हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक ट्रायल वर्जन की डेट होती है जिस पर वो एक्सपायर हो जाता है। जैसे कई सॉफ्टवेयर की 7 डेज़ की होती है, कोई 15 डेज़, कोई 30 डेज़। 30 डेज़ से मामूल ज़्यादा नहीं होती किसी की। तो एंड ऑफ द डे ये है कि अगर आपका ट्रायल सॉफ्टवेयर जो है वो रजिस्ट्रेशन की जो है इसकी ख़त्म हो जाती है तो वो आपको परचेज करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप दूसरे दफ़ा अगर उसको रीइंस्टॉल करते हैं तो वो रीइंस्टॉल नहीं होता और वो उसको परचेज़ के करवाना पड़ता है आपको। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको रीइंस्टॉल आप किस तरह कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो आप इजीली अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, गूगल में आपको सर्च करना पड़ेगा Windows 7 Manager। अगर आपके पास जो इंस्टॉल है वो Windows 7 है तो आप Windows 7 करें, अगर 8 है तो 8 करें, 10 है तो 10 करें, अदरवाइज़ XP है तो आप XP भी इसमें Windows XP मैनेजर होगा वो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास 7 है तो मैंने 7 किया हुआ है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर। मैं आपको इसको बताऊंगा नहीं आप कैसे इसे डाउनलोड वगैरह करें क्योंकि आप ये जस्ट गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। आप इसको इसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो अभी खोलेंगे, ये Windows 7 में मैनेजर है तो इसका इंटरफेस ऐसा है। यहाँ हम मैक्स यूनिट्स पे जाएंगे, यहाँ मैं जस्ट क्लिक किया, यहाँ रजिस्ट्री टूल है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। हम रजिस्ट्री टूल के अंदर जाएंगे, रजिस्ट्री टूल के अंदर थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जब ये रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा और आपने यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में आपके सॉफ्टवेयर का जो भी नाम है, जो भी जिस ट्रायल वर्जन उसका ख़त्म हो गया तो आप उसको यहाँ पे जस्ट पुट ऑन सर्चिंग इंजन के अंदर आप उसका नाम डालेंगे और इसकी रजिस्ट्री के लिए उसे रन करेंगे। जितनी भी आपकी टेम्परेरी रजिस्ट्री फाइल होंगी उस सॉफ्टवेयर की वो सारी यहाँ पे आ जाएंगे और आपने उसको जस्ट डिलीट करना है, जो बहुत ही इजीली आप उसको सबको डिलीट कर देंगे। चलिए जब तक ये खुलता है मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ हम जाएंगे स्टार्ट के अंदर, स्टार्ट के अंदर रन कमांड आती है नीचे Windows 7 में। अगर आपके पास ये नहीं आ रही तो आप जस्ट विंडो आर भी कर सकते हैं, विंडो का बटन प्रेस करके आर दबाएं तो आपको ये रन कमांड आ जाएगी। यहाँ मैं Shift 5 दबाऊँगा फीसद जो आ जाएगा परसेंटेज, यहाँ पे TMP टाइम फिर Shift 5, ये आपने आपके टेम्परेरी फोल्डर जो है इसका टाइम का जो फोल्डर है ये खुल जाएगा। ये फोल्डर खुलने के बाद यहाँ पे आपकी जितनी भी टेम्परेरी फाइल हैं आप Ctrl+A करके इसको डिलीट के बटन को प्रेस करें और ये सब डिलीट कर दें। यहाँ से ये टेम्परेरी फाइल हैं इसको आप डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं है। जो फाइलें हैं इस टाइम रनिंग में होंगी वो डिलीट नहीं होंगी, इसको आप स्किप कर दें। ये दो फाइलें मेरी इस टाइम
विंडोज़ के इस्तेमाल में है, इसलिए डिलीट नहीं होंगी, है कोई इशू नहीं है। ये करने के बाद अब आपने वापस स्टार्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे IGEDIT। रजिस्ट्री में आएंगे और इसको हमें जस्ट एंटर करना है। यहाँ पे ये जिससे एडिट का जो है वेरिफिकेशन आ रहा है, इसका हमने ओके किया जस्ट। फ्रेंड माजा चाहता हूँ, मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है। आप फ्रेंड्स जब इसको खोलेंगे तो ये आपके पास ऐसे चार पांच ऑप्शन नज़र आएंगे। क्लासेस रूट है, करंट यूज़र है, लोकल मशीन है, कीज़ यूज़र है, की करंट कॉन्फ़िग है। तो हमने सबसे पहले जाना है करंट यूज़र के अंदर। करंट यूज़र के अंदर जाने के बाद आप जब इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ सॉफ्टवेयर नज़र आएगा जो आपने इंस्टॉल किए हुए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फाइल के अंदर जो होते हैं वो सारे आपको यहाँ शो करेगा। अब जस्ट आपने जो आपका सॉफ्टवेयर ट्रायल वर्जन था और वो एक्सपायर हो गया, तो यहाँ से आप उसको देखेंगे उसका नाम कहाँ है। फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड मैनेजर है, इसको यहाँ देखें ये सब आ गया। तो आपने जस्ट यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, मगर ये डिलीट आपने तब करना है जब आप उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ आना है, क्योंकि वहाँ से अनइंस्टॉल करने के बाद भी यहाँ पे आपका फोल्डर शो हो रहा होगा इसकी रजिस्ट्री के अंदर। फिर आपने ये इसको यहाँ से डिलीट करना है। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसके बाद हम यूज़र करंट के नीचे आ रहा है लोकल मशीन, आपने लोकल मशीन के अंदर जाना है। वहाँ पे भी इसी तरह फोल्डर जो आ रहे हैं उसमें आपने सॉफ्टवेयर का फोल्डर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे भी जो आपको इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आ रहा है आपने जस्ट इसको भी यहाँ से डिलीट कर देना है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपके सॉफ्टवेयर का नाम कुछ और है तो आप यहाँ से वो सर्च इसमें ढूँढेंगे और उसको लोकेट करके आप उसे डिलीट कर देंगे। ये सिंपल से दो तीन टेक्निक्स हैं जिससे आप जो है यहाँ से अपनी रजिस्ट्री फाइल पूरी तरह डिलीट कर सकते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे ये इसके रजिस्ट्री टूल था विंडो सेवन मैनेजर का, ये देखें ये आ गया। यहाँ पे मैं आगे जस्ट IDM करता हूँ और इसको सर्च करता हूँ, तो IDM से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे रजिस्ट्री कीज वगैरह रूट फाइल्स जो भी कुछ होगा, जहाँ जहाँ इसकी जो जो फाइल पड़ी होगी, हमने ऑलरेडी तो उसे अनइंस्टॉल कर ही दिया है तो अब उसकी फाइल्स हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जितनी भी उसकी फाइल्स हैं हम उसे जब ये हो जाएगा तो हम उसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये प्रोसेस सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा IDM जो है वो ऑलरेडी मैंने अपडेट किया हुआ है उसे, वो भी ट्रायल वर्जन ही है, वो अपडेट मैंने किया है। मैं आपको इससे अगली वाली वीडियो में बताऊंगा कि IDM किस तरह आप ट्रायल वर्जन को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।